कृपा ना रखें ये वस्तु में, नहीं तो हो जाएंगे कंगाल। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। 21 वस्तुओं को सीधे पृथ्वी पर रखना वर्जित होता है। ये वस्तुएं पृथ्वी की ऊर्जा को अव्यवस्थित करती हैं और उस स्थान को अशुभ बनाती हैं। ये वस्तुएं हैं मोती, सुक्ति मतलब शिपी, शालिग्राम, शिवलिंग, देवी मूर्ति, शंख, दीपक, यंत्र, माणिक्य, हीरा, यज्ञ सूत्र मतलब यज्ञोपवीत, फूल, पुष्पमाला और जपमाला, साथ ही पुस्तक और तुलसी दल, कपूर, स्वर्ण, गुरुचन, चंदन, शालिग्राम का स्नान कराया हुआ अमृत जो है वह जल। इन सभी वस्तुओं को किसी आधार पर रखें तभी उस पर इनको स्थापित कर पूजित किया जाता है। मतलब धरती पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, पृथ्वी पर अक्षत, आसन, काष्ठ या पात्र रखकर इनको उस पर रखते हैं। अन्यथा अगर ऐसा नहीं रखते हैं तो परेशानियां हो सकती हैं। लिखा है, मुक्ताम शुक्तिम हरेरर्चाम शिवलिंगम शिवाम तथा शंखम प्रदीप्तम यंत्रम च माणिक्यम हीरकम तथा यज्ञसूतम च पुष्पम च पुस्तकम तुलसीदलम जपमाला पुष्पमालाम कर्पूरम च सुवर्णकम गोरोचनम च चंदनम च शालिग्राम जलम तथा एतान वोढुं शक्ताहरम क्लिष्टा च भगवन् श्रृणो। अतः इन 21 वस्तुओं को सजगता पूर्वक किसी न किसी वस्तु के ऊपर रखना चाहिए। प्रायः दीपक को लोग अक्षत पुंज पर रखते हैं, पुस्तक को टेबल पर या मेज पर रखते हैं और निश्चित रूप से जो चीजें बताई जा रही हैं जैसे शालिग्राम और देवी की जो मूर्ति को पीठिका पर रखते हैं, शंख को त्रिपादी पर रखते हैं और स्वर्ण को डिब्बी में रखते हैं, फूल, फूलमाला, फूल का गुच्छा को पुष्प पात्र में तथा यज्ञोपवीत को किसी पत्र पर रखते हैं। आपको बता दें कि अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से माता की कृपा बनेगी और आपको लाभ होगा। ओम ह्रीं क्लीं वसुधायै नमः। नमस्कार, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।